हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, मैं कुछ दिनों के लिए इस होटल में रुका हुआ था, थोड़ी नजर मरवा देता हूँ। आज जो लास्ट दिन है, मैंने होटल चेंज करना है, तो इससे भी अच्छे वाले होटल में शिफ्ट हो रहे हैं आज। सो गाइस, ये था यहाँ पे, इस तरह की लोकेशन थी, इस तरह के कुछ बेड थे और ये रेडी हो चुका है। सो गाइस, आज मैं इस होटल से चेकआउट कर रहा हूँ, बिकॉज जो है आज हमें नए होटल में शिफ्ट होना है, इससे भी अच्छे वाले और इससे भी बेस्ट वाले होटल में शिफ्ट होना है। सो बहुत अच्छा हो गया कि दूर तक जाना पड़ता है पैदल, तो गाड़ी वाले ने बोला कि चलो बैठ ही जाओ गाड़ी के अंदर। ये पहाड़ों के अंदर यहाँ पे होटल्स बने हुए हैं और यहाँ पे जो है आपको इस गाड़ी की सुविधा भी मिलती है, आपको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए आ जाते हैं ये लोग। हे गाइस, सो मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ पहुँच चुके हैं अपने स्टूडेंट्स को पिक करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे ठहरे हैं और हम लोग दूसरे होटल में थे। चलो तो यहाँ पे रुके हैं कुछ लड़कियाँ और कुछ लड़कियाँ इस साइड पे, और ये वो जगह है जहाँ पे हमने योगा क्लासेस की थी और यहाँ पे खाने पीने की जगह, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं मिला यहाँ पे खाने पीने का, बाहर ही जाके खाते हैं। हे, गुड मॉर्निंग गाइस, गाड़ी आ चुकी है, लगेज रेडी हैं। ये गाड़ी कैसी है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ये गाड़ी आपको कैसी लगी। मैं सोच रहा हूँ इंडिया में अगर मिल जाए तो मैं इस गाड़ी को खरीदना पसंद करूँगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। गाइज, ये देखिए चाइना के ताली सिटी की स्ट्रीट। हे गाइज, सो हमारी गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है और यहाँ पे यूनान प्रोविंस के ताली सिटी में जो है स्ट्रीट फूड का आनंद लेने के लिए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये सबसे फेमस है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा, ब्रेकफास्ट के टाइम पे अगर इतना बिजी है तो फेमस ही है। ओके, तो मेरा और भाई साहब का सिटिंग प्लेस यहाँ पे है बताया जा रहा है। वेट करना पड़ता है भाई, जो भी चेयर खाली होती है उसके ऊपर टप करके बैठ जाना पड़ता है आपको, अदरवाइज जगह नहीं मिलती यहाँ पे। जिस रेस्टोरेंट पे मैं बैठ गया था उनके साथ, वहाँ पे जो है बीफ मिलता है, सिर्फ बीफ का, तो मैंने वहाँ से जो है मूव कर लिया है, मैं दूसरी जगह पे आ गया हूँ। यहाँ पे जो है आपको वेज और नॉन वेज दोनों मिल जाता है। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ से खाना खाया था मैंने, आज फिर से एक बार आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक रिलीजन है पाइजू करके, वो इस तरह का ड्रेसअप रहता है उनका, बहुत अच्छे पोलाइट लोग रहते हैं ये लोग, तो इनके भगवान अगर आप देखें तो कुछ इस तरह के होते हैं। हेलो हेलो, वो यहाँ चाओ फान ना, चाओ फान नहीं है। हे गाइस, सो आज मेरा बैड लक है, जो जिस रेस्टोरेंट में अभी दोबारा से गया था वहाँ पे जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं बनाते हैं, वो ब्रेकफास्ट बनाते ही नहीं है, बोला हम तो लंच और डिनर बनाते हैं बस। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो ब्रेकफास्ट बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वहाँ पे, बिजी भी बहुत है, लेकिन वहाँ पे बीफ बनता है, सिर्फ बीफ से बने हुए आइटम आपको वहाँ पे मिलते हैं, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। मैंने कहा चलो यार कहीं दूसरी जगह पे जाके खा लेते हैं, लेकिन अभी मिल नहीं रही है कहाँ पे जाके खाना है। यहाँ पे आप जो है जीप गाड़ियाँ किराए पर ले सकते हैं भाई। सो गाइस, देखिए इनकी स्ट्रीट कितनी मतलब क्लीन है यार, कितनी अच्छी है। आप देखो, ये पता क्या होता है, जो शॉप होती है ना उसके बाहर का एरिया जो होता है वो खुद ही क्लीन करना पड़ता है इनको, जितनी भी ये शॉप्स हैं उसके बाहर का एरिया जो है उसके लिए ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको ही सफाई करनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे अपने बालों के अंदर इस तरह से लगवाते हैं, चोटी बनाते हैं। और यहाँ के गार्बेज बॉक्स देखिए गाइस, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, उसके अंदर एक जो है एस्ट्रे लगी हुई है जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए। सो आई थिंक मुझे थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। लोग अपने बालों को ना इस तरह का बनाने का ही यहाँ पे 5,000 से 7,000 10,000 रुपये देते हैं एक बार के। सो गाइस, मुझे अभी थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट मुझे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है भाई, पेट में कुलू कुलू की आवाज़ें आना शुरू हो गई है। देखिए, आपको हर स्ट्रीट पे इस तरह का मिल जाएगा, बहुत पैसा कमाते भाई ये लोग भी।
यहाँ पे आपको बाइक रेंट पे मिल जाती है। आई थिंक वो सामने वाली स्ट्रीट में कुछ मिल सकता है मेरे काम का।包子什么包子有素的吗？素的没有，没有。有那个烧麦，烧麦这个就素的，这个就是糯米跟那个香菇的。啊，我不吃肉，我不吃肉啊。你不吃肉，你吃烧麦吧。这个烧麦没有肉，没有肉啊。对，来这个，这怎么卖的？一笼十二块，啊，可以啊。我要在这里这里吃呢。在这里吃，你坐着呗。啊。来一个，12块钱，你说的。来一个，12 yuan，12 yuan 给你，आपको ये एक ट्रे में जो चार पांच पाउच बोलते हैं वो है, तो वेजिटेरियन है। मैंने कहा भैया वेजिटेरियन नहीं खाऊंगा मैं, चावल के बने हुए पाउच।这个就是烧麦。啊，叫什么？这个包子是吗？तो ये ट्रे के अंदर रख के इसको ना स्टीम से पकाया जाता है। इसके अंदर चावल हैं, उसके अंदर जो है मशरूम है, ब्लैक वाला मशरूम, एंड देन इसकी जो ये परत है देख सकते हैं बहुत पतली सी। तो ये पांच हैं आप देख सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए ठीक है, इनफ है। और 12 yuan 120-130 रुपये के पास में पड़ेगा। चाइना में अगर आपको चाइनीज आती है तो सर्वाइव करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जहाँ पे वहाँ वो लोग बीफ खा रहे थे तो मैंने वहाँ मना कर दिया कि भाई यहाँ पे नहीं, मैं बैठूँगा खुद से जाके खा लूँगा। सो गाइज, वो पाउच खाने के लिए आपको ना ये मसाले ऐड करने पड़ते हैं तभी मज़ा आता है। जैसे ये प्याज है, कटा हुआ प्याज, ये भी प्याज है, और यहाँ पे धनिया है, और ये देखिए ये अचार है, और ये भी अचार है, ठीक है। ये जो है लहसुन है, लहसुन, ठीक है। और ये छू बोलते हैं इसको, ये भी मतलब सिरका टाइप का होता है, वो सेम है। ये देखिए तिल है, मिर्च है। तो ये सारा देखिए प्योर वेजिटेरियन है, और इसको मिक्स करके ऐसे बना के, ठीक है, इसके साथ मिक्स करके आपने जो है पाउच को खाना होता है ऐसे। चाइना में सबसे बेस्ट और सबसे प्योर एंड शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना है तो भाई इस तरह के शॉप्स बहुत सारी हैं। 100% शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना है तो भाई इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं चाइना में। बस ये है कि आपको चाइनीज आती होनी चाहिए तो ही मिलेंगे, ठीक है।烤肉，对，猪是吗？烤猪肉。你们不卖牛牛肉吗？不卖。你们不吃牛肉吗？吃。吃牛肉。来一个过来。ये पोर्क है गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये लोग पोर्क को कुछ इस तरीके से पका के बारबेक्यू के हिसाब से बनाया है इन्होंने, सेल करते हैं ऐसे पैकेटों में। ये पाइजू रन के पाइजू है, तो बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा फूड मिलता है। ताली में जो भी पाइजू लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही पोलाइट है, और इनके जो घर है भाई सबसे ज़्यादा मुझे इनके घर पसंद है। ये देखो सारे घर इनके इसी तरीके के इसी स्टाइल में बने हुए हैं, और ये लोग सफाई पसंद लोग हैं भाई, सच में बता देता हूँ। इनकी जिस भी स्ट्रीट में आप जाओगे अपनी शॉप के बाहर खुद सफाई रखते हैं, और इनकी पूरी की पूरी स्ट्रीट जो है आपको साफ सुथरी देखने को मिलेगी, गंदगी नहीं डालते भाई। पाइजू रन, पाइजू रन मतलब पाइजू जो रिलीजन है उससे रिलेटेड लोग। ये देखिए भाई हर बंदा अपने शॉप के बाहर जो है झाड़ू पोछा लगा के रखता है, साफ सफाई करके रखता है।这是什么？这个是果汁。嗯。妈妈，你要开始烧的吗？你们每天天天拜神是吗？嗯。啊，我们也拜神。大姐，你们也是不是叫那个白族？嗯，拜神。拜那个财神是吗？嗯。So guys, ये लोग देखिए白族लोग हैं, ये भी मतलब अगरबत्ती धूप टीका करते हैं。咱们也会有天天这么拜的。对。我有当我在的。So guys, इस सिटी में चाहे बैंक हो, पुलिस स्टेशन हो, या किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल घर हो, जो कुछ भी है सब जो है पाइजू रिलीजन के हिसाब से बनाया गया है। बाकी के भी रिलीजन है लेकिन मतलब ज़्यादा जो है ना पाइजू रिलीजन के ही लोग आई थिंक यहाँ पे रहते हैं, तो सारी बिल्डिंग्स उसी हिसाब से बनाई गई हैं। तो पाए का मतलब होता है वाइट, तो
और इनकी बिल्डिंग्स भी सारी वाइट कलर, वाइट एंड ब्लैक में बनती है, मोस्टली वाइट कलर का ज़्यादा यूज़ होता है अंदर बाहर हर जगह। इसी वजह से सिटी जो है ना ज़्यादा क्लीन भी दिखती है, साफ भी दिखती है। ये यहाँ के गांव है और गांव में ये लोगों के पर्सनल घर है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं लोगों ने यहाँ भी तारे लगाई हुई है, लटकी हुई तारे आपको देखने को मिलेंगी। बाकी जो सिटी है वेल डिज़ाइन है। तो गाइस अब हम लोगों को छांगचुन वापस जाना है, लेकिन टूरिस्ट प्लेस से चाहे कहीं से भी छांगचुन सिटी वापस जाओगे तो आपको कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं कोरोना टेस्ट करवाने के लिए और लाइन में लग गए। सो अभी हम लोग भी अपने रूम पे जाएंगे।